नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 मनोरमा का पाठ पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। इस पुस्तक में संस्कृत की यही विशेषता है और हमारी संस्कृति भी इसी से जुड़ी हुई है कि हम किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और विद्या की देवी सरस्वती को माना गया है। तो हम इसमें पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको पाठ बताऊंगी। विपुल मंगल दान शीले, अपार मंगल देने वाली, भक्तार्थी नाशिनी, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाली, विरंचि हरीश वंदे और ईश्वर के द्वारा वंदनीय, कीर्ति प्रदे खिल मनोरथ दे महादेव, कीर्ति प्रदे यानी यश को देने वाली और अखिल अखिल यानी संपूर्ण यानी सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली, विद्या प्रदायिनी सरस्वती नवमी नित्यम, विद्या देने वाली सरस्वती को मैं नित्य ही प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। श्वेताक्ष पूर्ण विमलासन संसिते, श्वेतांबरावृत मनोहर मंजुगात्रे, उज्जन मनोज पटल मंजुलासे, विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमी नित्यम। श्वेताब्ज यानी सफेद पूर्ण विमलासन, एक स्वच्छ विमल आसन पर बैठी हुई, श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्रों को धारण की हुई, श्वेत यानी सफेद और अंबर यानी वस्त्रों को धारण किए हुए, वृत्त मनोहर मंजुगात्रे और शरीर पर सुंदर सफेद वस्त्रों को धारण किए हुए, उद्यन मनोज पटज मंजुला से खिले हुए सुंदर श्वेत कमल के समान सुंदर मुख वाली और विद्या देने वाली सरस्वती को मैं नित्य ही प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। इसके पश्चात हम पाठ एक प्रथम पाठ मंगल कामना देखेंगे। पहले हमने पढ़ा मंगलाचरणम, मंगलाचरण यानी ईश्वर की स्तुति और मंगल कामना यानी ईश्वर से प्रार्थना करना, कामना यानी अपनी इच्छाओं को बताना। प्रभु देश रक्षा बलम मे प्रयच्छ, नमस्ते देवेश बुद्धिं च यच्छ, सुतास्ते वयं शूर वीरा भवाम, गुरुं मातरं चापिता तं नमाम। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि एक सैनिक प्रार्थना कर रहा है कि प्रभो देश रक्षा बलम में प्रयच्छ, हे ईश्वर आप हमें देश की रक्षा के लिए बल दीजिए, शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए और ताकत दीजिए। नमस्ते सु देवेश बुद्धिं च यच्छ, नमस्ते अलग हो जाएगा, अस्तु अलग हो जाएगा, आप लोग इसे संधि विच्छेद कर देंगे। नमस्ते अस्तु देवेश, देवेश यानी हे देवताओं के भगवान, देव अलग हो जाता है और ईश अलग हो जाएगा, ईश यानी भगवान और देव यानी देवता, देवताओं के भगवान आपको प्रणाम है। बुद्धिं च यच्छ, हमें बल के साथ बुद्धि भी दीजिए। सुतास्ते वयं शूर वीरा भवाम, सुतः अलग हो जाएगा और ते अलग हो जाएगा, यहाँ पर भी संधि विच्छेद करेंगे। सुतः यानी आप बच्चे और ते यानी आपके, हम आपके बच्चे हैं और वयम यानी हम शूर वीरा भवाम, शूरवीर बने, गुरु मातरम चापि तातम नमाम, गुरु और माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ। ऋणायास्तु नाशः सदैक्यस्य वासः, भवे भारते स्नेहवृत्ते विकास, प्रजातांत्रिकं राज्यमस्माकमत्र
सदा वर्धता मंगल यत्र तत्र। घृणाया और तू, घृणा का भी नाश हो, और ऐक्यस्य वास, सदा और ऐक्यस्य दोनों का संधि विच्छेद कर देंगे, सदा यानी हमेशा, ऐक्यस्य यानी एकता का यहाँ पर निवास हो, कहाँ पर, हमारे भारत देश में। भवेत् भारते स्नेह वृत्तेर विकास, हमारे भारत देश में स्नेह वृत्ति का विकास हो। प्रजातांत्रिकं राज्यम अस्माकम् अत्र, हमारा, अस्माकम् यानी हमारा, अत्र यानी यहाँ पर, राज्यम यानी राज्य, प्रजातांत्रिक का प्रजातांत्रिक हो। सदा वर्धता मंगल यत्र तत्र, यहाँ पर हमेशा खुशियां बढ़ती ही रहे। न कोपि क्षुधा पीड़ितो मानवस्य, न रुग्णो न रुग्ण, न रुग्णो न नग्नो न क्षीणश्च तस्मात्, न शिक्षा विहीनं च पश्याम कञ्चित्, प्रभो भारतस्योन्नति स्यात् कथञ्चित्। न कोपि क्षुधा पीड़ितो मानवस्य, कोपि कोई भी, क्षुधा पीड़ितो यानी भूख से पीड़ित, मानवस्य न, यहाँ पर कोई भी मनुष्य भूख से पीड़ित न हो। न रुग्णो न नग्नो, यहाँ पर न कोई बीमार हो, न कोई वस्त्र विहीन हो, वस्त्र विहीन यानी जिसकी शरीर पर वस्त्र न हो, ऐसा कोई व्यक्ति, न क्षीणश्च तस्मात्, और न ही किसी को हम गरीब देखें। न शिक्षा विहीनं च पश्याम कञ्चित्, और यहाँ पर कोई भी निरक्षर न हो। प्रभो भारतस्य उन्नति स्यात् कथञ्चित्, हे ईश्वर, यहाँ पर हमारे भारत देश की किसी भी प्रकार से अच्छी प्रकार उन्नति हो। सुखै पूर्णमेतद् भवेत् भारतम् मे, भवेदत्र नित्यं प्रभो नो गृहस्थे, इयं कामना प्रार्थनैषा विधातः, इमां पूरयेताम् अये लोकमातरम्। सुखै पूर्णमेतद् भवेत् भारतम् मे, मे मेरा, भारतम् भारत, सुखै पूर्णम् सुखों से परिपूर्ण हो, भवेत् यानी हो, मेरा भारत सुखों से परिपूर्ण हो। भवेदत्र नित्यं प्रभो अनुग्रहस्ते, प्रभो अलग हो जाएगा और अनुग्रहस्ते अलग हो जाएगा। भवेदत्र, अत्र यानी यहाँ पर, प्रभो अनुग्रहस्ते, आपका अनुग्रह यानी आपकी कृपा नित्यं हमेशा भवे बनी रहे, आपकी कृपा यहाँ पर हमेशा बनी रहे। इयं कामना प्रार्थना ईशा विधातः, हमारी इयं, इयं यानी यह, कामना यानी इच्छा, प्रार्थना ईशा, ऐशा यानी यह प्रार्थना, हमारी यह प्रार्थना हे ईश्वर पूरी हो। इमां पूरयेताम् अये लोकमातरम्, हे संसार की माता, ईश्वर को हम माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, इसीलिए एक बार यहाँ पर कहा गया कि हमारी इस इच्छा को पूरी कीजिए, लेकिन फिर अंत में कहा गया हे संसार की माता, हमारी इस कामना को पूरा कीजिए। होमवर्क आपका, आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, अर्थ भी पाठ में समाहित ही है, उसको भी लिखेंगे, शब्दार्थ भी, और अच्छी प्रकार से याद करेंगे।